सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्चा प्यार और भूत दोनों ही एक जैसे होते हैं। जब तक मिलते नहीं हैं, तो यकीन नहीं होता है उनके होने का, और जिस दिन मिल जाते हैं लोग डरने लगते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी दोस्तों, लाख कोशिशें कर लें तो भी मिलती ही नहीं है। प्रेम इस तरह किया जाए कि प्रेम शब्द का कभी जिक्र तक ना हो। आज का पंचांग 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 8:38 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:57 से 4:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी। आज चंद्रमा मेष राशि पर दोपहर 3:03 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। धनुराशि 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार, आज अब किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। यह कदम मानसिक वित्तीय या आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगे, लेकिन आपको कम से कम यह संतुष्टि जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम तो उठा रही हैं। इससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी। रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर कुछ समय अपने लिए भी जरूर व्यतीत करें। ऐसा करने से आप अपने अंदर दोबारा नई ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे। इस समय ग्रह स्थिति बहुत ही उत्तम बनी हुई है। हाथ में लिए गए काम पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें। अभी यही काम आपके जीवन में स्थिरता ला सकता है। पारिवारिक बातों को सुलझाने के लिए और वक्त लगेगा। जितनी आपकी क्षमता है और जो बातें आपके नियंत्रण में हैं, केवल उन्हीं का विचार करना होगा। विदेश में काम करने वाले को अपने काम से संबंधित समाधान महसूस होते रहेंगे। रिलेशनशिप से संबंधित उतार चढ़ाव दूर करने की कोशिश करें। अचानक से वजन बढ़ने की संभावना है। सावधानियां, बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। किसी नजदीकी की संबंधी के वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं रहेगी, परंतु आपका सुझाव और सहयोग उनके परेशानियों को कम कर सकता है। युवा वर्ग अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम प्रेमिका को डेटिंग का अवसर भी मिलेगा। अच्छा, आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज की जरूरत होगी। बहुत सारे मुद्दों पर बात ना करें, क्योंकि इससे आपके संबंध की शांति भंग हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत छोटी छोटी असहमतियाँ भी गंभीर विवादों का रूप धारण कर सकती है। आज चुप रहना ही बेहतरीन उपाय होगा। शांति बनाए रखकर अपने संबंध की सहज शक्ति में विश्वास रखें। मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। बात करते हैं करियर की। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और अपने सपनों का पीछा करने के साथ आप सुनियोजित तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं। दूसरे इस तरह नहीं है, लेकिन दूसरों को ये बताएं और समय पर सब छोड़ दें। इस भावना को त्याग दें, अन्यथा लोगों को ये गलतफहमी होगी कि आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक डीलिंग तथा मार्केटिंग संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। अधिकतर काम घर से फोन द्वारा ही संचालित होते जाएंगे। उधार लेन देन न करें। मार्केटिंग संबंधित कामों में भी व्यस्तम दिनचर्या रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपनी वर्तमान जीवन शैली के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक होंगे और इसमें सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाएंगे। कुछ कारणों से आपको किसी स्वास्थ्य संबंधित जांचें करानी होगी और इससे आप संभावित खतरे के प्रति सावधान हो जाएंगे। आप पहले भी कई बार इससे बेहतर जीवन शैली अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस बार आपको यह करना थोड़ा आसान रहेगा। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।